हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल GSM क्लिनिक में। दोस्तों आज मैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का QR कोड कैसे बनाते हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक का QR कोड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। एयरटेल पेमेंट बैंक का QR कोड बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर एक, आपको एयरटेल मर्चेंट QR कोड एजेंट ID की जरूरत पड़ती है और नंबर दो, एयरटेल रेंजर ऐप की जरूरत पड़ती है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक QR कोड मर्चेंट ID कहाँ से मिलेगी आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या पे आउट होता है, कैसे काम करती है, कैसे RD मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इन सब जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको रेंजर ऐप कहाँ से मिलेगा, रेंजर ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक का QR कोड मर्चेंट ऑनबोर्ड करने के लिए आपको कस्टमर से क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दो चीज़ें लगती हैं और कैसे बनाते हैं उसका मर्चेंट, मैं आपको ये वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ रेंजर ऐप में, रेंजर ऐप से कैसे हम QR कोड बनाते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम आ गए रेंजर ऐप में। रेंजर ऐप हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ही हमने ओपन किया हुआ है, अभी हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे RD डालनी है, RD डालने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो ये पूरा रेंजर ऐप खुल जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये लॉगिन हो रहा है। देखिए लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये पूरा विंडो खुल के आ जाता है। इसमें आपको ये दिखाएगा कि रेंजर ऐप से आप क्या क्या कर सकते हैं, कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। सबसे पहले आप ऑनबोर्ड मर्चेंट कर सकते हैं, ऑनबोर्ड मर्चेंट में आप किसी भी कस्टमर का नया QR बना सकते हैं। दूसरा, आप मर्चेंट अपग्रेड कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं, लिंक QR कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर के पास QR खराब हो गया तो उसका दूसरा QR दे सकते हैं। विजिट कर सकते हैं उसकी QR पर, फास्टैग भी बना सकते हैं आप। QR कोड स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अगर आपको QR कोड स्टेटस चेक करना है। और आप एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं किसी कस्टमर की, कि उसकी प्रोफाइल एडिट करनी है आपको या कोई मिस्टेक हो गई तो उसकी दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आपको यहाँ पर ऑनबोर्ड करके दिखाएंगे। अभी हमने ऑनबोर्ड मर्चेंट किया है, तो मर्चेंट ऑनबोर्ड करने के बाद आपके सामने ये आएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के। तो अभी आपको यहाँ पे कस्टमर का नंबर डालना है, जो भी कस्टमर का नंबर हो आप जिसके QR कोड बनाना चाहते हो, जिसको भी ऑनबोर्ड करना चाहते हो। तो अभी हम यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं आपके सामने। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से सेंड OTP करना है, कस्टमर के नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आपको OTP यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद आप फिर सबमिट करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो जाता है यहाँ पे OTP जब लेता है। तो आप OTP डाल के सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको तीन ऑप्शन दिए होंगे। आधार बायोमेट्रिक से आप कर सकते हैं उसकी KYC, आधार OTP से कर सकते हैं अगर उसके आधार पे उसका नंबर लगा हुआ है मोबाइल नंबर, तो उसके बाद OTP आएगा, वहाँ से उसकी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद आप आधार वैलिडेशन से कर सकते हैं, उसका आधार का नंबर डाल के भी आप उसको ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे करूँगा आधार वैलिडेशन से। नीचे हमें आधार कार्ड नंबर डालना है, अभी मैं यहाँ पे आपके सामने आधार कार्ड का नंबर डालूँगा। आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। अब कस्टमर का नाम जो भी उसके आधार कार्ड पे लिखा है, सही नाम आपको लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर उसके पास तीनों नाम है तो तीनों लिखना है, दो नाम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके लिखना है। उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ भी सही डालनी है। दोस्तों ये डिटेल आपको जो भी डालनी है उसके आधार कार्ड से मैच होती हो डिटेल, कोई भी डिटेल आपको अपनी तरफ से नहीं डालना है जिससे कि आगे चल के कोई भी दिक्कत आए आपको। तो अभी हमने ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, अगर उसके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड लगा दीजिए, अगर नहीं है तो उसको नेक्स्ट टाइम लगा दीजिए। ईमेल आईडी अगर वो चाहता है लगवाना तो आप ईमेल आईडी भी लगा सकते हैं। अल्टरनेट नंबर कोई है उसके पास वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप यहीं से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अभी आप देखिए आपके सामने जो पेज खुल के आएगा, इस तरह का पेज आएगा खुल के, इसमें आपको उसकी शॉप की डिटेल डालनी होती है। तो शॉप डिटेल में आप उसकी शॉप का नाम डाल दीजिए, जो भी उसकी शॉप का नाम है, जैसे मैं भी डाल रहा हूँ ये कांता मोबाइल शॉप। ठीक, ये उसकी शॉप का नाम हो गया। उसके बाद आपको उसका एड्रेस डालना है, जो भी उसका करंट एड्रेस है, ये उसका एड्रेस डाल दिया मैंने। बाकी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ले लेता है, उसका जो पिन कोड है वो भी ऑटोमेटिक ले लेगा। और आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, तो कैटेगरी में आप जो भी उसकी शॉप की कैटेगरी आती है, जिस कैटेगरी में उसकी शॉप आती है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे आप तो आपके सामने ये लास्ट ऑप्शन खुलेगा, जो फाइनल ऑप्शन रह जाता है क्या कहते हैं मर्चेंट बनाने के लिए, उसकी बैंक डिटेल। तो कस्टमर की बैंक डिटेल यहाँ पे डालनी है, जिस बैंक अकाउंट में उसका पैसा जाएगा, मतलब जो भी आप QR बनाएंगे उस पर जो भी कस्टमर पे करेगा, तो जिस बैंक में कस्टमर चाहता है उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए।
अगर एयरटेल का नंबर है उसके पास तो आपको यहाँ पे एयरटेल सेलेक्ट करके एयरटेल का अकाउंट नंबर डाल देना है, आईएफएससी कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका अदर बैंक का नंबर है तो आपको बैंक अकाउंट नंबर भी डालना है और आईएफएससी कोड भी डालना है। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान से कर रहा है, आपको कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है जिससे आपको कोई एरर वगैरह आए या बाद में कोई दिक्कत आए, तो केयरफुली डालिए आप पूरा उसका नंबर देख के, उसका आईएफएससी कोड देख के, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से भरिए। अभी मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, देखिए आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर भर दिया है। अभी हम यहाँ पे ये टिक करके और इसको सबमिट कर देंगे, ये हमने यहाँ से सबमिट कर दिया। थोड़ा सा वेट करिए, टाइम लेता है थोड़ा प्रोसेसिंग में। तो अभी ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है, ऑनबोर्ड हो गया सक्सेसफुल। अभी हमें इसमें लिंक QR करना है, जो भी मर्चेंट आपको लिंक करना है तो यहाँ से जो ऑप्शन दिख रहा है आपको लिंक मर्चेंट QR, यहाँ से आप ओके करके कस्टमर को जो भी QR आपको देना है वो वहाँ से लिंक कर दीजिए। उसको स्कैन करेंगे वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर QR कोड स्कैन किया, अभी ये इसके अकाउंट में इसके नंबर पर ये QR कोड लिंक हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल सेटअप है, QR कोड बन के तैयार हुआ। अब हमें क्या करना होगा, हमें कस्टमर के मोबाइल में मर्चेंट ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और उसका ये नंबर डाल के जिस पे भी हमने मर्चेंट अभी ऑनबोर्ड किया है उसको लॉगिन कर देना है। उसके बाद कस्टमर के पास जो भी पेमेंट आएगा वो उसमें देख लेगा किसका पेमेंट आया, सेटलमेंट भी सब कुछ देख सकता है, वहाँ से पूरी जानकारी उसको मिल